व्यूअर्स, वेलकम टू माय एवर शाइन नॉलेज क्लासेस। आप सभी ने मेरी पिछली वीडियो में क वर्ग और च वर्ग के अक्षरों को कैसे लिखा जाता है वह सीखा था। ज्यादा देर ना करते हुए हम सीखेंगे हमारे अगले अक्षरों को लिखने का तरीका। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर ट वर्ग के अक्षरों को लिखा है। जैसे क वर्ग को गले से पढ़ते हैं, च वर्ग के अक्षरों को हमारी जो जुबान है, जो टंग है, वो हमारे मुंह के ऊपरी भाग के हिस्से में दांतों के आगे जो हिस्सा होता है उसे लगकर पढ़ा जाता है। तो यह ट वर्ग है। ट वर्ग को हम जब प्रोनाउंस करते हैं, जब हम पढ़ते हैं, जो टंग है वो हमारे मुंह के अंदरूनी ऊपरी वाले हिस्से में लगकर आवाज निकलती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इन अक्षरों को लिखना सीखते हैं। पहला अक्षर टा, छोटी सी खड़ी रेखा, खड़ी रेखा के साथ आधा गोला, और ये बन गया हमारा टा अक्षर। ठ, छोटी सी रेखा के साथ एक छोटा सा गोला, ये रहा ठ। और हमारा अगला अक्षर है द। द अक्षर, जैसे आप जिस प्रकार से आप ई लिखते हैं इसी प्रकार से लिखेंगे, ये रहा द। फिर ढ, छोटी सी खड़ी रेखा, जैसे आपने ट लिखा इसी प्रकार फिर एक छोटा सा गोला। तो हमारा ट वर्ग का आखिरी अक्षर है न। हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं। आपने पुस्तकों में देखा होगा कि इस अक्षर के नीचे एक डॉट भी होता है, डॉट इस प्रकार। इन दोनों अक्षरों में ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ जब हम प्रोनाउंस करते हैं किसी भी स्पेलिंग में इस अक्षर के नीचे अगर डॉट आ जाए तो हम इसको द पढ़ेंगे। यह है ड ड ड ड ड ड, सिर्फ इतना अंतर है। और इस अक्षर को जब भी हम किसी स्पेलिंग में लिखते हैं तो इस अक्षर को कभी भी हम स्वर या कॉन्सोनेंट से पहले नहीं लिखते। यह अक्षर हमेशा स्वर और कॉन्सोनेंट के बाद ही आता है।